तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 14.3। तो 14.3 के अंदर पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जो ही हमारे को डाटा दिया गया है यहाँ पर। तो ये एक सर्वे कंडक्ट किया गया है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसके अंदर बताया गया है कि कॉजेज और इलनेस और डेथ अमंग द वुमेन्स बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 44, यानी कि 15 से 44 साल के जो बीच की उम्र की जो औरतें हैं उनके जो कॉजेज ऑफ डेथ है वो दिए गए कि भाई किस तरह से कितने परसेंट पे कौन वुमेन्स मर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ दिया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो उसके अंदर फीमेल्स के बताया गया कि 31.8% जो है वो इस बीमारी के कारण मरी है। तो ये न्यूरोसाइकेट्रिक बताया गया कंडीशंस 25.4%। तो इस तरह से अलग अलग कॉजेज दिए गए हैं और उनके परसेंटेज दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को हमारे को क्या करना है, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। कह रहा है कि विच इज मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कह रहा है कि इसमें से कौन सा मेजर कॉजेज है वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। और कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट एनी टू फैक्टर विच प्ले ए मेजर रोल इन द कॉजेज ऑफ सेकेंड, यानी कि इसके अंदर कुछ फैक्टर्स बताने हैं हमारे को जो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं सेकेंड पार्ट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं, हम इस डाटा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं हमारे अपने ग्राफ पर। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो हमारे को ये डाटा दिया गया है उसको हम पहले यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्सिस। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे परसेंटेज दी गई है उसको हम वाई एक्सिस पे ले लेंगे और जो हमारे कॉजेस दिए गए हैं उनको हम यहाँ पे ले लेंगे एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के परसेंटेज दे रखे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गैप लेके चलेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो होने के बाद हम यहाँ पे ले लेंगे 5 5 का गैप ले लेंगे। तो यहाँ पे 5 10 15 10 5 15 20 25 35, तो यहाँ पे 35 तक का हमने गैप ले लिया है। तो यहाँ पर हम इसको मार्जिन दे देते हैं, यहाँ पर जीरो नंबरिंग कर देते हैं 5 10 15 20 25 30 35। तो हम यहाँ पे इस डाटा को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं ग्राफ पर। हमने यहाँ पे नंबरिंग कर दिया है, 5 5 का गैप लिया हमने यहाँ पर। तो हम पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की जो परसेंटेज दे रखी है 31.8 दे रखी है। तो यहाँ पर जो 30 दे रखा है उससे हम थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दिया है। जब भी हमारे को इस तरह का डाटा दिया जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बार ग्राफ बनाएंगे। अब ये न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन दे रखी है 25.4%, तो यानी कि 25 कहाँ पर है, 25 यहाँ पर है। तो 4 जो है हम उससे थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये हमने 25.4% रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। अब आ गया 12.4, तो ये इंजरीज के लिए है तो 12.4 हम रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे ये 10 है, 10 से थोड़ा सा ऊपर कर देंगे इसको हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि 12.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा और यहाँ से हम इस तरह से इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा 12.4 हो गया। अब आती बात 4.3 की, तो 4.3 क्या होगा, 5 से नीचे होगा। तो ये हमारा 4.3 कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब 4.1 जो होगा वो भी इससे थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये हमारा 4.1 हो जाएगा। अब आता 22, तो
तो 22 जो है हमारा 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो 22 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब जो डाटा हमारे को टेबलर फॉर्म में दिया गया था उसको हमने यहाँ पर ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके अंदर जो हमारे ये क्या नाम है 0 से लेकर हमारा जो गैप चल रहा था, तो हमारा क्या होगा फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पर फीमेल फीमेल फर्टिलिटी रेट परसेंटेज में, और जो हमारा ये तो जो हमारा एक्स एक्सिस पे था हम इसको लिख देंगे यहाँ पर कॉजेज। तो यहाँ हमारा कौन सा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इस तरह से हमने जो पूरा डाटा हमारे को टेबलर फॉर्म में दिया गया था वो हमने यहाँ पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। और सेकंड में बोला गया है कि विच इज़ द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन्स इन हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो जो हमारे पास डाटा के अंदर दिया गया है सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज दी गई है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की दी गई है, और ग्राफ के अंदर भी सबसे जो ऊंचाई जो सबसे ऊंचा जा रहा है वो हमारा क्या जा रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके लिए आंसर सेकंड में हम लिख देंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन इज द मेजर कॉजेस ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड एज 31.8% ऑफ वुमेन आर अफेक्टेड बाय इट। यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन जो है वो सबसे मेजर कॉजेज है वुमेन हेल्थ वुमेन इल हेल्थ और डेथ के लिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड के अंदर जो इस डाटा के अंदर बताया गया है। तो 31.8% है वुमेन्स आर अफेक्टेड बाय इट, तो वुमेन्स जो ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। और यहाँ पे थर्ड के अंदर बोला गया है, थर्ड पॉइंट में बोला गया कि ट्राई टू फाइंड आउट एनी टू फैक्टर्स विच प्ले मेजर रोल इन द कॉजेज ऑफ सेकेंड। यानी कि इस सेकेंड वाले जो कॉजेज के अंदर दो ऐसे फैक्टर बताने हैं जो इसके लिए मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज पहला पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं ये ए, और दूसरा लिख सकते हैं दो फैक्टर बताने इसके हम यहाँ पर, तो पहला फैक्टर हमारा ये हो जाएगा, या फिर हम लिख सकते हैं कि लैक ऑफ करेक्ट नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज की कमी के कारण ऐसा हो रहा है, या फिर उसको ट्रीटमेंट की नॉलेज नहीं है उसकी कमी के कारण ऐसा हो रहा है कि जिसकी वजह से हमारा जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के अंदर आ रहा है वुमेन हेल्थ इल और डेथ के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इस टेबल के अंदर हमारे को सेक्शन दिए गए हैं जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नॉन एस सी एस टी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, और नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज़ दिया गया है, यानी कि 1000 बॉयज़ पर नंबर ऑफ गर्ल्स कितने कितने हैं। तो एस सी के अंदर बोला गया है 940 है, एस टी के अंदर 970 है। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ गर्ल्स दिए गए हैं पर 1000 बॉयज़ पर, ठीक है। तो बोला गया है इस टेबल को रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय बार ग्राफ। यानी कि जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दी गई है टेबल के अंदर उसको हमें रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन को बनाते हैं, बार ग्राफ कैसे बनेगा इस क्वेश्चन का। तो पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं अपनी एक्स एक्सिस ले लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक्स एक्सिस को ले लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारे जो ये जो नंबर दे रखे हैं हमारे को यहाँ पे 9:10 है, 9:30 है, 9:20, तो इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर 0 से 10 नहीं, 10 नहीं दिया गया है, तो हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट जंप करने के लिए
पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पे किंग का निशान देंगे यहाँ पर इस तरह से, इस तरह से। जब हमारे को जीरो से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है हमारे यहाँ पर, तो जीरो से हम जब डायरेक्ट जंप करेंगे तो हमारे को यहाँ पर ये डंडी मारनी पड़ती है यहाँ पर इस तरह से। तो जो 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 हमारा अर्बन पे दिया गया है 9-10 से दिया गया है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 9-10 से, हम यहाँ पे इंटरवल स्टार्ट करेंगे अपना। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं पहले, यहाँ पे 9-10 ले लेते हैं, ये 9-10 हो गया, ये 9-20 हो गया, ये 9-30, ये 9-40, मैक्सिमम कितना जा रहा है हमारा 9-70 तक है, तो हम यहाँ पे 9-70 तक ले लेंगे, 9-50, 9-60 और ये 9-70। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है हमारे को यहाँ पर। तो हम पहले देखेंगे कि भाई SC वाला जो है वो कितना है, यानी कि 9-40 तक दी गई है वैल्यू, तो 9-40 तक दी गई है वैल्यू, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी। तो यहाँ पे 9-40 जो हमारा जाएगा इस पॉइंट पे जाएगा, तो यहाँ से हम इसको 9-40 को ले लेंगे इस तरह से, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 9-40 हो जाएगा SC के लिए। अब ST के लिए कितना होगा, 9-70, तो हम यहाँ पर इसको अगले पे ले जाएंगे। ये इस तरह से 9-70 हो जाएगा, फिर 9-20, 9-20 की वैल्यू ये रही यहाँ पर, फिर था 9-50, 9-50 की वैल्यू यहाँ से जाएगी यहाँ तक इस पॉइंट पर, ये हमारी होगी 9-50 की वैल्यू। अब होता 9-20, तो 9-20 फिर अगेन यहाँ तक जाएगा, फिर आता 9-30, 9-30 को हम यहाँ से ले लेंगे इस तरह से, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अर्बन जो है वो आ जाएगा 9-10, तो 9-10 कहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये हमारा हो जाएगा 9-10। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंट किया है, ये हमने डाटा रिप्रेजेंट किया है, तो ये क्या है हमारा सेक्शन है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसको इस तरह से, लिख देंगे यहाँ पर सेक्शन। ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने रिप्रेजेंट किया है 9-40, तो ये किसका था, SC का था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इसके अंदर इस तरह से, लिख सकते हैं SC। ठीक है, और ये 9-70 है, तो हमारा किसका था, ये ST का, तो यहाँ पे लिख देंगे हम इस तरह से ST, और ये नॉन SC और ST था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नॉन SC और ST, और ये बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था 9-50, तो ये 9-50 की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 9-20 की वैल्यू जो थी हमारे पास यहाँ पर, वो किसकी थी, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की, और ये रूलर की है यहाँ पर ये वैल्यू, यहाँ पे रूलर हो जाएगा और ये अर्बन हो जाएगा 9-10 जो है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने ये नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज था, तो यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पर इस तरह से, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, ये हमारे को इस तरह से दिया गया था, तो यहाँ पे इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये हमारा पूरा ग्राफ जो है रेडी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट पार्ट जो रिप्रेजेंट करना था बार ग्राफ पे, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड पार्ट के अंदर बोला गया है कि इन ए क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट द फ्रॉम द ग्राफ,
यानी कि इस ग्राफ से हमारे को क्या कॉन्क्लूजन देखने को मिल रहा है, हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सबसे मैक्सिमम और मिनिमम क्या है यहाँ पर। तो जो एस टी की वैल्यू जा रही थी वो 970 तक जा रही है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल पर 1000 बॉयज़ 970, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इसके अंदर सेकेंड वाले क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज कितनी है, 970 है, किसके अंदर, एससी वाले के अंदर, ठीक है। और यहां बोल सकते हैं हम यहां पर कि मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज, यहां पे मिनिमम नंबर किसमें है, अर्बन में, तो यहां पे कह देंगे अर्बन, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 910 है, तो यहां पे लिख देंगे हम इसको 910। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। बोला गया है कि पॉलिटिकल पार्टी यहां पर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और यहां पे बोला गया कि सीट्स वॉन, यानी कि नंबर ऑफ सीट कितनी वॉन की गई है पर्टिकुलर पार्टी के द्वारा, वहां पे बताया गया है कि ए ने 75 सीट्स को वॉन किया है, और बी ने 55 सीट को वॉन किया है, सी ने 37, और इसी तरह से डी ई एफ का दिया गया है। बोला गया है कि ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पुलिंग रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट आया हमारे पास जो टेबल के अंदर दिया गया है उसको हमें क्या करना है, बार ग्राफ पे प्लॉट करना है, ठीक है। और बोला गया कि विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, तो यानी कि इसको हम ग्राफ से देख के बता देंगे कि भाई किस पार्टी ने मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स को गेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। इस तरह से ये हमारा हो गया एक्स, ये हमारा हो गया वाई, ओके। अब यहां पे हमें इंटरवल ले लेंगे, तो यहां पे जीरो से स्टार्ट करते हैं यहां पर। अब यहां पे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहां पर हमारे को जो लिया गया है सीट्स बोन जो है 75 से दिया गया मैक्सिमम, तो यहां पे इंटरवल ले लेंगे 10 10 का। तो ये हमारे पास होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और यहाँ पर हो जाएगा 80। 80 तक हम अपना इंटरवल ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80। और यहाँ पर जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पर। अब बोला गया है कि ए के लिए 75, तो यहाँ पर 75 वाला जो पोर्शन जाएगा हमारा कहाँ तक जाएगा, 70 से 80 के बीच में जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट होगा, तो ये हमारा 75 को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। अब बोला गया है बी के अंदर 55, तो 55 किसके आएगा, 60 और 50 के बीच में आएगा, तो 55 वाला जो पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर होगा इस तरह से। तो ये हमारा 55 का पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर, सी को बोला गया 37, तो सी जो होगा हमारा 37 कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे 30 है ये 35 है, तो 35 से थोड़ा सा ऊपर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमारे को। तो ये हमारा जो होगा 37 कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये हमारा सी का हो जाएगा। डी के लिए 29 बोला गया है, तो 29 कहां पर आएगा, 30 से जस्ट नीचे आएगा, तो जो इसका पॉइंट होगा ये यहाँ पे बिल्कुल इसकी एक पॉइंट नीचे ले लेंगे हम इसको इस तरह से, 30 से बिल्कुल 30 का पॉइंट हमारा यहाँ पर इस वाली लाइन पर है, तो इसे थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, तो 29 को रिप्रेजेंट करेगा। और ई जो हमारा क्या है, 10 है, तो यहाँ पर ई जो होगा हमारा ये 10 हो जाएगा इस तरह से,
ये हमारा 10 को रिप्रेजेंट कर देगा, और एफ जो है 37 है, तो 37 कहाँ पर होगा, 40 और 30 के बीच में होगा, लेकिन यहाँ पे 35 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। तो बिल्कुल एग्जैक्टली 37 का पॉइंट ये वाला था, तो इसी के बराबर होगा। तो हमारा जो पॉइंट है 37 का बिल्कुल एग्जैक्टली इसके बराबर ही आएगा जो हमारा प्रीवियस पॉइंट था। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो ये सीट्स वोन थी यहाँ पर, तो यहाँ पे इसको डाल देंगे इस तरह से। ये हमारे क्या है, सीट्स वोन, यानी कितनी सीटें जीती गई, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे पॉलिटिकल पार्टी, तो ये पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी लिखने के बाद यहाँ पर जो पहली पार्टी थी ए, उसके बाद यहाँ पे कौन सी थी बी, फिर ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। तो इस तरह से हमने पूरा ग्राफ को कंप्लीट कर लिया है। अब बोला गया सेकंड वाले क्वेश्चन में कि विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स, यानी कि जिस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती है वो कौन सी पार्टी है। तो जिस ग्राफ के अंदर जिसका सबसे ऊँचा डायग्राम जा रहा होगा, जो रेक्टेंगल सबसे ऊँचा होगा यहाँ पर, उससे पता चल जाएगा हमारे को। तो जो इसके अंदर हम देख रहे हैं, तो ए का जो रेक्टेंगल है सबसे ऊंचा जा रहा है 75 तक, तो यहाँ पे लिख देंगे इसका आंसर। आंसर सेकंड क्या होगा, ए वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन पुलिंग पुलिंग रिजल्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बोला गया है ड्रॉ है हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट डाटा, यानी कि डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पे लेंथ दी गई है mm के अंदर और नंबर ऑफ लीव्स दी गई है, यानी कि तीन लीव्स ऐसी है जो 118 से लेकर 126 तक है। तो इस तरह से नंबर ऑफ लीव्स दी गई है और उनकी लेंथ दी गई है। तो जो डाटा दिया गया है हमारे को, अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 126 है और यहाँ पर 127 है। तो डाटा जो हमारा ये यहाँ पर किस तरह का, ये डाटा हमारा डिसकंटिन्यूस है। तो डाटा जो हमारा यहाँ पर क्या है, डिसकंटिन्यूस दिया हुआ है। तो इस डाटा को हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे। अब डाटा को कंटिन्यूस बनाने के लिए क्या कर क्या किया जाता है, तो यहाँ पर किया गया, बोला गया कि टू ड्रॉ हिस्टोग्राम वी मेक द डाटा कंटिन्यूस, वी ऑब्जर्व दैट द गैप इज 127 एंड 126, यानी कि 127 और 126 के बीच में जो गैप है वो कितना है, इसको माइनस कर देंगे, ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब गैप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। जो 1 हमारा क्या है, ये गैप निकल कर आया है, तो इस गैप को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 निकल कर आएगा। अब जो 0.5 निकल कर आया है उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 0.5 के अंदर, ऐड कर देंगे 0.5 टू अपर क्लास लिमिट। ये UCL का मतलब क्या है, यहाँ पर अपर क्लास लिमिट, और यहाँ पे क्या है इसका मतलब, ये हो गया लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो यानी कि जो हमारी अपर क्लास लिमिट होती है वो कौन सी होती है, जो ये वाला टर्म होता है हमारा, ये क्या होता है हमारा, लोअर क्लास लिमिट होता है, और जो ये वाला टर्म होता है हमारा, ये क्या होता है, अपर क्लास लिमिट। यानी कि जितने भी हमारे ये होंगे सारे, ये हमारे क्या होंगे, अपर क्लास लिमिट होंगे, और जितने भी ये होंगे हमारे लोअर क्लास लिमिट होंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, 0.5 जो था हमने अपर लोअर क्लास लिमिट के अंदर क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। तो यानी कि 118 में से जब सबट्रैक्ट करेंगे 0.5 तो कितना आएगा, 117.5 आएगा। और जब यहाँ पे 126 के अंदर हम ऐड करेंगे 0.5 तो हमारा कितना आएगा, 126.5। तो हमने सबके अंदर यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया 0.5 और यहाँ पे सबके अंदर ऐड कर दिया है। तो जो हमारा डाटा दिया गया था डिसकंटिन्यूस के अंदर, तो डिसकंटिन्यूस डाटा से हमारा क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस डाटा बन जाएगा। अब ये डाटा कंटिन्यूस बनने के बाद हम इस डाटा को क्या कर सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, यानी कि हिस्टोग्राम पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस डाटा को हिस्टोग्राम बनाते हैं ग्राफ पेपर पर। तो हम अपने
कोऑर्डिनेट बना लेंगे यहाँ पर, ये हमने यहाँ पे ले लिया वाई एक्सिस अपना, ठीक है। अब डाटा जो यहाँ पर जीरो होगा इस पॉइंट पर, तो इस डाटा के अंदर क्या है, लेंथ जो है 117.5 से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इस तरह से निशान दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्योंकि सीधे जीरो से जंप कर रहे हैं 117.5 पर, तो इसलिए हमारे को ये निशान देना पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसको, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरवल ले लेंगे हम, जो नंबर ऑफ लीव्स है हमारी, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंटरवल ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने 12 है, 8 हो जाएगा, ये 10, 12, ठीक है, 12 तक ले लिया हमने यहाँ पर। उसके बाद क्या करेंगे, अब 117.5 को रिप्रेजेंट करेंगे 3 पर, तो 3 कहाँ पर आएगा, इनके बीच में आएगा, तो यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो ये जो पॉइंट हमारा ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर इस तरह से, जो ये हमारा वैल्यू था वो किसका था, 117.5 से लेकर 126.5 पर। अब 126.5 से लेकर 135.5 पर कितने जा रहा है, 5 पे जाना है, तो 5 किसके आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा, तो यहाँ से ही इसी से ही यहाँ पे यूं और ये इस तरह से ये हमारा 5 को रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 126 से 135 था, तो ये 135.5। अब यहाँ से कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना हमारे को 9 पे, तो 9 कहाँ पर आएगा, 10 के नीचे आएगा, तो ये हमारा 9 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ये वैल्यू हमारी किसकी होगी, 144.5 की। अब 144.5 से लेकर 155.5 पे जाना 12 तक, तो यहाँ पर हमारा डाटा कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा हमारा ग्राफ इस तरह तक, इस तरह से हम 12 को रिप्रेजेंट कर देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे हम ये वाला इंटरवल 153.5। अब आगे जो है 162 तो जाना हमारे को 5 पर, तो 5 कहाँ पर आएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के बीच में आएगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से, ये हमारा 5 रिप्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पर। 5 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 162.5 को। अब यहाँ पर आ जाएगा 162.5 से 171.5 कितना है, 4 है, तो 4 कहाँ तक जाएगा हमारा, यहाँ तक जाएगा, तो ये हमारा 4 को रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से, ये हमारा 4 हो गया। अब यहाँ पे 171 यहाँ पे लिख देंगे हम 171.5। अब 180.5 से जाना 2 पर, तो 2 हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ये इस तरह से, तो ये हमारा 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो यहाँ पर यहाँ पे जो इंटरवल आएगा लास्ट इंटरवल जो हमारा 180.5। तो इस तरह से हम इस डाटा को यहाँ पर हमने क्या करा है, इस ग्राफ पर डिनोट कर दिया है, ठीक है। जो हमारा ये जो होगा ये क्या होगा, हमारा लेंथ होगा जो एमएम में रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ लीव्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट था, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था, तो इस डाटा को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब हम क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा, यानी कि इस डाटा के लिए जो हमने ग्राफिकल बनाया है, यहाँ पर ग्राफ बनाया है, क्या उसको हम किसी अनदर वे के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि सेकंड का आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा कि अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ दिस डाटा इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से हम इस डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड में बोला गया है, कह रहा है कि इज इट करेक्ट टू कॉन्क्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग एंड वाई। यहाँ बोला गया कि ये करेक्ट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स जो है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स किस में जा रहा था, 12 में जा रहा था, ठीक है, 12 इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स। तो बोल रहा है कि जो 12 लीव्स है हमारे पास, क्या उसकी जो लेंथ है, ठीक है, उस लीफ की जो लेंथ है क्या वो 153 mm लॉन्ग है। तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो 12 जो हमारे पास दे रखा है लीव्स, वहाँ वो किस में किससे लाई करती है, यानी कि वन, यानी कि जो यहाँ पर ये दे रखा है इंटरवल 144.5 से लेकर 153.5, तो इसके अंदर जो हमारे पास कितनी लीव्स दी गई है, 12 लीव्स दी गई हैं, 12 लीव्स दी गई हैं। तो जो 12 लीव्स दी गई हैं तो ये इस लेंथ के अंदर वेरी करेगी, यानी कि हमारे को ये, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते इसका आंसर नो होगा, ये करेक्ट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो 12 लीव्स दी गई हैं हमारे को, वो यहाँ से लेकर इस लेंथ से लेकर इस लेंथ तक वेरी करेगी। हो सकता है कुछ कुछ वहाँ पर 145 वाली हो सकता है 150 वाली लीव्स हो, या हो सकता है वहाँ पर 151.5 वाली लीव्स हो। तो कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं है कि भाई कि हमारे पास जो 12 जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स दे रखे हैं, यानी कि 12 लीव्स दे रखी है, उनका सबका साइज कितना होगा, 153 mm होगा। तो ये आंसर करेक्ट नहीं है, इसका आंसर नो होगा, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की लीव्स लाई कर सकती है।